जय हिंद मेरे भाई, क्लास 11th में हो। अगर आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो मेरे भाई आप लोग के लिए रिजल्ट का इंतजार अब बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ जो रिजल्ट डेट है 30th मार्च, आपके एग्जैक्टली उसी दिन डेट आ रहा है। बस एक ही पॉइंट याद रखना, जो क्लास 11th के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके 29 मार्च को जो है ना, 29 मार्च को आपके रिजल्ट जो है ऑन बोर्ड स्कूल लेवल पे आ जाएंगे। और उसके साथ साथ जो 30 तारीख को, मतलब 30 मार्च को आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है। बट एक ही पॉइंट, इसके लिए आपको भैया जो मैंने आपको तक रिजल्ट कैसे चेकआउट करना है वो आप जरूर चेक कर लेना वो वीडियोस, क्योंकि वहीं पे सारी चीजें होंगी। आप क्लास 9th में भी, आपने 10th में भी जरूर चेक किया होगा। और देन आफ्टर उसके जो आपके प्रिंटिंग मार्कशीट है वो आपके आ जाएंगे 5 अप्रैल को, तो आप स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो। बट एक ही पॉइंट याद रखना मेरे भाई, यहां पे अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है या किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्लास 11th से 12th में गया है या जाने वाला है, वैसे तो आप लोगों ने अच्छा ही पेपर किया होगा, बट मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, आप लोग के लिए क्लास 2024-25 में जो क्लास 12th में आप आ चुके हो, अगर वो सेशन का बोर्ड दोगे तो भाई, अगर आप नए हो तो इस वीडियो को जरूर, मतलब अपने दोस्त यार में जरूर बता देना। और एक ही पॉइंट और बताता हूं आपको कि क्लास 12th के अंदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में अगर डंका बजाना चाहते हो तो मेरे भाई बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सामने बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेस आएंगी। A to Z क्लास 12th के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना और भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम जरूर पे जरूर जुड़ जाना, ठीक दोस्त। बस एक ही पॉइंट है, बस प्लीज अपने एंड से अपने एफर्ट्स को बढ़िया लगाओ और भाई इस बार डंका बजा दो। और ऑफलाइन के लिए आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी, ऑफलाइन में अगर सीट अभी अवेलेबल हो रही है, मतलब स्पेस बड़ा हो रहा है, अगर आप लोग को आना हो, ज्वाइन करना हो, मोस्ट वेलकम होगा। दुनिया का मैं इतना बता सकता हूँ कि 90 प्लस आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड अभी तक के लिए जय हिंद।